हेलो डियर फ्रेंड, नमस्ते। राशि आर्ट ब्लॉग लाइफ स्टाइल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी एवर यूथ का गोल्डन पील ऑफ मार्क्स, जो कि मतलब मैं एकदम अलग तरीके से आप लोगों को लगाकर शेयर करूंगी। इससे पहले भी मेरे चैनल पर एवर यूथ गोल्डन पील ऑफ मार्क्स का वीडियो मैंने शेयर किया था आप लोगों के साथ। उस पर आपने काफ़ी सारा मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट किया था। आज मैं आप लोगों के साथ जो शेयर करूंगी, इससे पहले आपने जितने बार भी अपने एवर यूथ का गोल्डन पील ऑफ मार्क्स लगाए हैं, उससे आपको जो रिज़ल्ट मिला है ना, अगर आप आज मेरे बताए हुए टिप्स से अगर आप मतलब लगाते हैं, तो आपको कई गुना ज़्यादा इसका जो रिज़ल्ट है बहुत अच्छा मिलने वाला है। डियर फ्रेंड्स, टिप्स जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी आप ऑल कर दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले पहुँचे आपके पास। तो डियर फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर से मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो से आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है, इसलिए वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हे डियर फ्रेंड्स, चलिए मैं आज आप लोगों के साथ बहुत ही अच्छा एक टिप शेयर करने वाली हूँ, जो कि आपको मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे हाथों में ये छोटू सा पैकेट, जो कि इससे पहले मैंने एक बार यूज़ किया है। अभी मैं सेकेंड टाइम, एक पैकेट में दो बार मतलब यूज़ हो जाते हैं अच्छे से, बस आपको उसे अच्छे से रखना होता है, नहीं तो ख़राब हो जाते हैं। तो क्या करना है, जो भी टिप्स जो है, ये टिप्स यही है कि आपको पहले तो अपने फेस को जो है फेस वॉश से धो लेना है, उसके बाद आपको रोज़ वाटर लगाना है। रोज़ वाटर फेस को में लगाने के बाद जब भी मतलब थोड़ा सा आपका सूख जाए, उसके बाद आपको लेना है ये वाला पाउडर, जिसके में आपका जो पेपरमेंट होता है ना, जैसे कि नाइसिल हो गया या फिर डर्मिकुल हो गया, ऐसे बहुत सारे पाउडर हैं जिसमें कि पेपरमेंट दिया हुआ रहता है। इससे क्या होगा ना, आपके फेस को जो है पहले से बहुत ज़्यादा आपको आराम मिलने वाला है, आपको फेस को जो है बहुत ज़्यादा ठंडा ठंडा आपको फील होने वाला है। और अगर आप पेपरमेंट, अगर आपको ये वाला पाउडर आपके पास ना हो, तो आप अगर बिना पेपरमेंट का भी जो पाउडर होता है वो भी आप लगा सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इस तरह से पाउडर को जो है आपको बढ़िया से, अच्छा से आपको फेस में जो है आपको बढ़िया से लगा लेना है, और लगा लेने के बाद फिर आपको लेना है हाथों में थोड़ा थोड़ा कर आपका जो एवर यूथ गोल्डन पील ऑफ मार्क्स है उसको लेना है। पाउडर अगर आप लेते हैं तो पाउडर से आपको एक और मतलब अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, आपकी मतलब जितने भी ब्लैक हेड्स या फिर वाइट हेड्स जो होते हैं वो भी निकल जाते हैं। क्योंकि हम लोग जो मार्क्स को लगाते हैं ना, वो बहुत ही अच्छे से हमारे फेस को जो है वो मतलब एकदम बैठ जाता है, और जब हम इसको निकालेंगे धीरे धीरे, तो उसका रिज़ल्ट तब आपको जो है मतलब समझ में आएगा कि कितना अच्छा जो है आपको आपके फेस में जो है ग्लो आया है। और इसके बाद आपको कोई भी मतलब आपको पार्लर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप कोई शादी में या फिर पार्टी में या फिर घर में भी आपको कभी कभी कोई मन होना कि चलो यार थोड़ा सा फेस फ्रेश रहते हैं, तो आप ज़रूर से एवर यूथ का गोल्डन पील ऑफ मार्क्स आप यूज़ कीजिएगा, पर मेरे बताए हुए टिप्स से। तो इसी तरह से आपको थोड़ा थोड़ा सा लेना है, और आपको इसी तरह से आपको धीरे धीरे लगाते हुए जाना है। अगर थोड़े भी बहुत आपके बालों में लग जाते हैं, इसमें कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि वो अच्छे से निकल भी जाते हैं। तो इसी तरह से आपको जो है अपने फेस पर बढ़िया से लगाते हुए जाना है। तो आप देख सकते हैं मैं एक बार में क्यों बहुत सारा नहीं ले लेती हूँ, क्योंकि मतलब जम जाते हैं, बहुत जल्दी ही जम जाते हैं। तो देखिए आप किस तरह से मेरे हाथों में ये चिपक गए हैं ना। तो डियर फ्रेंड्स, मैंने तो पूरी फेस मास्क लगा लिए हैं, और अब मुझे करना है इंतज़ार। इंतज़ार कितना करना है, लगभग आपको 20 से 25 मिनट लगभग आपको जो है इंतज़ार करना है। और पंखे के सामने अगर आप बैठ जाते हैं तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं बैठते हैं तो भी ये सूख जाते हैं। तब तक आपको अपने घर में अगर कोई एक्स्ट्रा काम हो तो आप कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं एक बार करके कैमरे के सामने आ रही थी, आपको दिखा रही थी, और मेरे जितने भी एक्स्ट्रा थोड़े बहुत काम रहते हैं उसको भी मैं कर लेती हूँ।
तो इसी तरह से आपको भी आपके समय का भी बचत होगा और आप इस तरह से लगा सकते हैं। पाउडर लगाने से आपको जो रिज़ल्ट मिलने वाला है, मेरे बात को आप मानिए और प्लीज़ आप एक बार इस टिप्स को ज़रूर से आप अपने फेस पर अप्लाई कीजिए। आपको जो मतलब आराम मिलने वाला है, जो रिज़ल्ट मिलने वाला है, आप भी कहेंगे क्या वीडियो बनाया था, हम लोगों को इतना अच्छा जो है रिज़ल्ट मिला। तो डियर फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया से सूख गए हैं। थोड़ी देर पहले तो ये मेरे उंगली में चिपक रहे थे, पर अभी जो है चिपक नहीं रहे हैं। मार्क्स को निकालने का सही तरीका है ऊपर से आपको निकालना है। इस तरह से आप थोड़े थोड़े करके उंगली को इस तरह से दबाइए और दबाने के बाद आपको एकदम डायरेक्ट से नहीं निकालना है, साइड से इस तरह से हाथ को आपको घुमा घुमा कर आपको जो है इसे निकालना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं किस तरह से निकाल रही हूँ। इसी तरह से आपको जो है मार्क्स को निकालना है और धीरे धीरे से, अगर आपको थोड़े भी कुछ प्रॉब्लम होते हैं ना, तो आप स्किन को जो है थोड़ा थोड़ा इस तरह से टाइट करते जाइए और आप अपने मार्क्स को जो है इजीली आप इसे रिमूव करते जाइए। आपको कोई हड़बड़ी नहीं करना है, बस आपको धीरे धीरे अपने मतलब बस अच्छे से आपको निकल जाए, आप अपने हिसाब से इसको निकालते जाइए। बहुत ही बढ़िया से एकदम परफेक्ट मार्क्स जो होता है ना, एकदम बढ़िया से उसका शेप में ये निकलेगा और आपको रिज़ल्ट भी बहुत बढ़िया मिलेगा। पाउडर अगर आप यूज़ नहीं करते हैं तो इस तरह से आपका मार्क्स जो है नहीं निकलेगा, और अगर पाउडर का आप यूज़ करते हैं ना तो इसी तरह से एकदम बढ़िया से लगेगा कि हाँ यहाँ पर आँख था, यहाँ पर नाक था। इस तरह से आपका जो है एक शेप बनकर जो है मार्क्स आपका निकलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फेस कितना गोल्डन गोल्डन सा लग रहा है और बहुत ही ज़्यादा फ्रेश लग रहा है, और इसको निकालने के बाद मेरे फेस को इतना ज़्यादा आराम मिला, बहुत ही अच्छा लगा। इतना अच्छा लगा कि क्या बोलूँ यार, मैं तो सोच रही हूँ कि हर मंथ में इस जो फेस मास्क है इसको मैं यूज़ करूँगी। कोई भी आपको फेशियल की ज़रूरत नहीं है, कोई भी ब्लीच का ज़रूरत नहीं है, बस एकदम नेचुरल सा एकदम फ्रेश सा आपको लुक देने वाला है और बहुत ही फ्रेश और एकदम गोल्डन जो लिखा हुआ है ना एवर गोल्डन पील ऑफ मार्क्स, सच में आपको गोल्डन पील ऑफ मार्क्स का ही रिज़ल्ट मिलने वाला है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कीजिए, न्यू चैनल पर अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई और नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। मेरी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आप सभी को मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगा है। तो चलिए डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई डियर फ्रेंड्स। बाय बाय। जय हिंद, जय भारत। बाय।